भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे सुनवाते हैं। यहाँ वैक्सीन का काम चल रहा है, यहाँ के भी मैं डायरेक्टर एमएस और हमारे इंचार्ज जो है सभी डॉक्टर्स को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अगले 75 दिन में कोई भी व्यक्ति छूट न जाए और वह तीसरी डोज भी लगवा कर बूस्टर डोज लगवा करके सुरक्षा कवच को अपने स्वास्थ्य के कवच को मजबूत बनाए। आइए हम सब लोग मिलकर एक साथ मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना से लड़े और इसके सफल विजय हासिल हम लोगों ने की है, उस सफलता को हम आगे बरकरार रखें, यही और कई मुद्दों को लेकर यहां पर उन्होंने बात की है। जो 200 करोड़ वैक्सीन का जो लक्ष्य भारत ने हासिल किया है वो कैसे हासिल कर पाए हैं, किस तरह से इस उपलब्धि को हासिल करने में भारत सरकार की क्या भूमिका रही है, इस सब के बारे में वो बात करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि एक नई उपलब्धि है जो भारत की ओर से हासिल की गई है।